अब हमारी नॉर्मल बातें तो हो गई, टाइम भी हो गया, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। आज हमारी पहली क्लास है क्लाउड नेटिव वेब एंड मोबाइल स्पेशलिस्ट की। अगले 8 मंथ्स में हम पूरी कोशिश मेरी ये होगी कि आपको एक कंप्लीट क्लाउड नेटिव मल्टी स्टैक डेवलपर आपको सारी ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर दूँ। जो हमारा रोड मैप है वो यहाँ पर इलस्ट्रेट हुआ हुआ है। हम अभी लिनक्स से स्टार्ट करेंगे। आज अगर पहुँच गए लिनक्स पे तो ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में लिनक्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे क्लाउड नेटिव का, फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब कवर कर लेंगे, क्योंकि सारा बेसिस लिनक्स पर होगा। जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं वो सारे लिनक्स पे ऑपरेट होते हैं, तो आपको लिनक्स में कमांड आपको चाहिए होगी। फिर हम डॉकर पढ़ेंगे। डॉकर से हम क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करना सीखेंगे, कि एक एप्लीकेशन का कोड लेके उसको हम एप्लीकेशन का कोड लेके हम उसको डॉकर कंटेनर्स में डिप्लॉय कर सकें। और फिर जब हम कंटेनराइजेशन सीख लेंगे तो फिर हम उसको उसकी ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हमें कोई टूल चाहिए होता है कि जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो ऑटोमेशन पे चल सकें और ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड डाउन भी हो सकें, और उनके और भी सारे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो टूल कुबरनेटीज है उसके, के मतलब सेल्फ हीलिंग भी होता है और ऑटो स्केलिंग भी होता है, और वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री आपको मिल जाए टू योर क्लस्टर। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लाउड एप्लीकेशंस का, वो कुबरनेटीज से हल हो जाते हैं। तो ये मॉड्यूल ये होगा कि हम पूरा ऑपरेशंस पे फोकस करके कि एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कैसे करते हैं ऑन कुबरनेटीज, ठीक है। तो ये अगले 2 महीने में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, और 2 महीने के बाद आपको लिनक्स डॉकर एंड कुबरनेटीज पे स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। और इंशाल्लाह फिर आप में से जो लोग चाहें वो क्लाउड नेटिव फाउंडेशन का कुबरनेटीज सर्टिफाइड कुबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर की सर्टिफिकेशन भी अटेम्प्ट कर सकेंगे, वो बहुत वैल्यूएबल होगी, काफ़ी प्रेस्टिजियस है अभी। अच्छा, फिर मॉड्यूल बी में आ जाएंगे तो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ जाएंगे। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम बेसिक से शुरू करेंगे विद एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ताकि हम स्ट्रक्चर बना सकें, हम उसको स्टाइल कर सकें और उसमें जावास्क्रिप्ट से बिहेवियर ऐड कर सकें। और फिर एंड देन मॉड्यूल सी के अंदर हम जो मर्न स्टैक है उस पर आ जाएंगे, कि कंप्लीट नोड जे एस रिएक्ट मोंगो डीबी वगैरह के साथ ये सारी टेक्नोलॉजीज जब एक साथ आएंगी तो इट विल बिकम वेरी पावरफुल और आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा क्या मकसद होता है कोर्स पढ़ाने का। मुझे चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि मार्केट में बने बनाए तो मिलते नहीं हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एजुकेशन का हाल क्या है। तो इट्स नॉट फनी लेकिन अब हंसी आती है। तो मुझे चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। हमारी कंपनी है पैना क्लाउड के नाम से, सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो जैसे क्लाउड नेटिव एक डोमेन है जिसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें डेवलपर्स चाहिए होते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम खुद से ट्रेन करें जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें, और फिर हम उनको हायर करें। और होता ही है कि जो बेस्ट होते हैं उनको हम लोग पैना क्लाउड में हायर करते हैं, और जो बाकी के होते हैं माशाल्लाह वो सारे इतने अच्छे केपेबल होते हैं इन टेक्नोलॉजीज पर, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। और फ्रीलांसिंग तो हम सिखा ही देते हैं कि फ्रीलांसिंग कर लें, बल्कि अक्सर क्या होता है कि फ्रीलांसिंग से वो जितना हम पे कर रहे होते हैं जॉब्स पे, इवन पैना क्लाउड में फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, तो वो फिर आते हैं सर आई एम सॉरी फ्रीलांसिंग में टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है तो पैना क्लाउड के प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम नहीं होता। तो इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं कि फुली सपोर्ट
जो भी हेल्प हो सकती है हम लोग पूरी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इवन अगर फ्रीलांसिंग में खुद से जा रहे होते हैं तो अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली करें, विल हेल्प आउट जो भी हम कर सकते हैं। और अगर आप बैनर क्लाउड के साथ रह के फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं। हमारी एक जो मॉडल है कंपनी का वो एक हाइव मॉडल है, तो सारे पार्टनर्स हैं और सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। और कंपनी का काम ये होता है कि हम एक स्ट्रक्चर, एक जो फोर्स होती है जो आपके पीछे, वो प्रोवाइड करते हैं, HR प्रोवाइड करते हैं। जितनी क्लासेस हम पढ़ाते हैं इनमें से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके आते हैं तो हमारे डेवलपर्स को टीम मिल जाती है जिनको वो हायर कर सकें, और इस तरह से एक टीम एनवायरनमेंट अच्छा बन जाता है हमारा। सारे बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है क्योंकि सबने एक साथ पढ़ाई भी की हुई होती है, तो एक बैच निकलता है वो बूट कैंप्स में से गुजरते हैं, तो सबके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स शुरू में आसानी से नहीं मिलते अगर आपकी प्रोफाइल नहीं होती तो, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, स्ट्रगल करना होता है। लेकिन एक बार जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है, लोग आपकी प्रोफाइल देख के आपको ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर लाइन लग जाती है प्रोजेक्ट्स की। फिर प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और काम करने वाले नहीं मिलते, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो कोई ना कोई इशू होगा, ठीक है, आइदर आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है या कुछ मिसिंग है प्रोफाइल में, या कुछ गड़बड़ है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हम कवर कर चुके हैं, इतनी बार इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल बैकग्राउंड भी काफ़ी मैं आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़रूरत नहीं है, चलते हैं काम के बाद पर आते हैं। अच्छा, क्लाउड नेटिव को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि है क्या। लेकिन क्लाउड नेटिव तो अभी लेटेस्ट है ना, तो इससे पहले हम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मेथड्स को भी एक या तो आपके लिए रिव्यू होगी या ये भी नया होगा, तो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मेथड्स को देख लेते हैं कि क्लाउड नेटिव से पहले किस तरह से कंप्यूटिंग किस तरह से होती थी क्लाउड के ऊपर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए आपको वो है मोनोलिथिक कंप्यूटिंग का। सिंपल सी चीज़ है, होता क्या है, पहले जो ओल्डर एप्लीकेशंस हैं जो आज भी चल रही हैं, ये सारा आर्किटेक्चर का है कि जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो एक एक सिंगल यूनिट होता है जिस उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स एक साथ होते हैं। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपका यूज़र इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे, एप्लीकेशन हो सकती है, UI हो सकती है, वेब ऐप हो सकती है, आपका बिजनेस लेयर जो आपकी जो लॉजिक होती है, हम लोग Node.js यूज़ करेंगे, दूसरी एप्लीकेशंस में जावा यूज़ हो रहा होता है, कुछ लोग PHP यूज़ कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन, जो आपकी बिजनेस लॉजिक को जहाँ पर डिफाइन किया होता है। और फिर आपका डेटा इंटरफेस होता है जो आपकी APIs हो सकती हैं जो जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, और आपका डेटाबेस होता है। ये सारी चीज़ें एक साथ एक पैकेज में होती हैं मोनोलिथिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, एक यूनाइटेड आर्किटेक्चर होता है कि सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, और कहाँ गया, अच्छा, और क्योंकि वो सारी चीज़ें पैकेज हुई भी होती हैं और इतनी ज़्यादा आपस में लिंकिंग हुई भी होती है जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस करना डिफ़िकल्ट होती हैं,
क्योंकि अगर आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो उसके इफेक्ट्स बाकी पूरी एप्लीकेशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइटली पैकेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। ठीक है, अच्छा, मोनोलिथिक का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि वन सिंगल पीस। ठीक है, पूरी एप्लीकेशन चाहे जितनी भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो ऑल टुगेदर इन वन पीस। ठीक है, तो दैट इज मोनोलिथिक कंप्यूटिंग। और आज से पहले, क्लाउड नेटिव से पहले, मोनोलिथिक कंप्यूटिंग जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलर था। एंड लाइक आई सेड, कंपनीज को प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करने में फ्रॉम अ ओल्डर आर्किटेक्चर टू अ न्यू आर्किटेक्चर, उसमें टाइम लगता है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मोनोलिथिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट बताएं आप लोग जो चल रहा है यहाँ पर आजकल, अभी daraz.pk चल रहा होगा। daraz.pk यूज किया है किसी ने? daraz.pk जब यूज करते हैं तो वो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। क्या होगा कि इस वक्त daraz.pk के ऊपर लोड ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन वो बनी हुई है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे। मसला क्या होगा कि आपने हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभार जब आप दराज पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है कि या तो ऑर्डर प्लेस नहीं होता या सम ग्लिच हैपेंस। और वो ग्लिच इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त एप्लीकेशन पर लोड बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। ठीक है, तो क्योंकि लोड ज़्यादा चल रहा होता है, इट्स हार्ड फॉर देम टू मेक चेंजेस इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन है तो उसको अपडेट करना भी मुसीबत का काम है, और उसको स्केल भी नहीं कर सकते ईजिली, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना इट्स अ डिफरेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, अब मसला क्या है कि फॉर देम टू टेक द एप्लीकेशन और उसको कन्वर्ट करें क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर में, अब ये आ जाता है कि ये एक बिजनेस क्वेश्चन होता है, लोड बैलेंसिंग। हाँ, स्केलिंग इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अगर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है ना, तो जब आप उसको स्केल करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बिकॉज आपकी पूरी एप्लीकेशन के हर कंपोनेंट साथ में स्केल होगा, तो आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को स्केल नहीं कर सकेंगे, आपको कंप्लीट ऐप को स्केल करना होगा। ठीक है, तो बॉटम लाइन होती है हर कंपनी की कि क्या वो इन्वेस्ट करना चाहती है, कि कोई जैसे दराज को अगर क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर पे आना होगा तो उनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर पे पूरी ये वाली एप्लीकेशन लेकर आए। ठीक है, स्केलिंग क्या होती है ये मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास अगर आप एक सिंपल, आपके सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उसके अंदर मेमोरी होगी, रैम वगैरह। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम की रिसोर्सेज हैं, अगर कोई एप्लीकेशन सिर्फ एक कंप्यूटर पे अगर डिप्लॉयड है तो उसके सारे रिसोर्सेज एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास सिस्टम है, इसके अंदर अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 8GB रैम है, तो मेरी एप्लीकेशन अगर 8GB रैम मैक्सिमम यूज़ होगी तो उसके बाद मैं ग्रो नहीं कर सकता इस एप्लीकेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मज़ीद स्केल करने के लिए एक और सिस्टम अप करूँगा, वहाँ पर भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा और उस सिस्टम के लिए उसकी रिसोर्सेज यूज़ करूँगा। तो इससे इस तरह से स्केलिंग होगी कि आप मल्टीपल लोकेशंस पर
अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आप उसको डेडिकेट कर सकें। ठीक है, तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स होते हैं और किसी भी कंपनी को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से उठ के क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर में आने में कुछ इश्यूज होंगे। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट आएगी, फिर मसला ये होगा कि जो टीम होगी एग्जिस्टिंग टीम कंफर्टेबल होती है जो भी चल रहा होता है उसमें। तो ज़्यादातर लोग अभी भी इस वक्त भी क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर पे ट्रेन नहीं है। आज से लास्ट मंथ, पिछले महीने मैं सिलिकॉन वैली में था, तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोगों से मीटिंग्स में कर रहा था ताकि फील हो कि सिचुएशन क्या है। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टोरी जो थी, मैं एक मीटअप में गया था, कुबरनेटीज का मीटअप था और उसमें काफ़ी सारे अच्छी कंपनीज के लोग आए हुए थे। तो जो प्रेजेंटर था उसने कुछ सवाल किए, पहला सवाल उसने पूछा कि आप लोगों में से कुबरनेटीज को कितने लोग जानते हैं। तो सबने हाथ उठाए ऑब्वियसली, क्योंकि वो मीटअप कुबरनेटीज के लिए था। तो उसने कहा ओके गुड। फिर उसने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग कुबरनेटीज को यूज़ करना जानते हैं। तो आई थिंक 10% लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, मेजॉरिटी ने हाथ ऊपर रखा। फिर उसने पूछा कि आप में से कितने लोग कुबरनेटीज को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ करें, मतलब आप में से कितने लोग कुबरनेटीज को ऐसे यूज़ करें कि कस्टमर फेसिंग हो। तो तकरीबन सब ने हाथ नीचे कर लिया। तो इसमें मैं बड़ा शॉक्ड हुआ था कि इवन इन द सिलिकॉन वैली, जहाँ से ये चीज़ें अर्ली अडॉप्ट हो जाती हैं, वहाँ पर भी बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो क्लाउड नेटिव को इम्प्लीमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। तो अभी वो जो डेवलपर्स का जो पूल है ना, वो बहुत छोटा है अभी भी। तो वो ज़्यादातर वो बड़ी कंपनीज में हायर हो जाते हैं। तो जो बिग एंटरप्राइज कंपनीज हैं वो तो काम कर रही हैं, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं और जो छोटी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको इश्यू होता है, क्योंकि अभी इतना नया है कि इतने ज़्यादा लोग अभी एग्जिस्ट नहीं करते कि वो हर जगह पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है कि अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री में जाएंगे इसको पढ़ के, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि क्लाउड नेटिव पर आए, कुबरनेटीज पर आए, लेकिन उनके पास वो रिसोर्स पूल की अभी बहुत शदीद शॉर्टेज है। और अभी कोरोना के बाद इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर अस। एक्चुअली कोरोना से हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो क्लाउड और क्लाउड के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंक्रीज होंगे, बाकी के जो इंडस्ट्रीज हैं वो जितना कम होंगी उतना अपॉर्चुनिटी क्लाउड प्रोवाइडर्स को और क्लाउड बिजनेसेस को मौका मिलेगा कि वो एग्जिस्टिंग कंपनीज को कम्पीट करके ना उनको बीट कर दें। तो मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू बी सेल्फ कंटेनिंग। तो उसकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी एक पैकेज में मौजूद होती हैं। ठीक है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन को कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से बात करने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर, जो भी उसको चाहिए वो सब उसको उसके अंदर पैकेज के अंदर ही मिल जाएगा। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस तरह से कि हर इंटरफेस, हर पूरी एप्लीकेशन का हर कंपोनेंट एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है इन द कोड, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो सारा पैकेज एक साथ होता है, सारा डिप्लॉय एक साथ होता है, तो उसमें आप सेपरेशन नहीं कर सकते। ठीक,
फिर क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ पैकेज हो गई हैं तो एप्लीकेशन का साइज़ ऑब्वियसली फिर बढ़ जाएगा और कम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जब भी आप कोई इवन छोटा सा चेंज करना भी चाहेंगे ना तो आप हज़ार बार सोचेंगे कि अगर मैंने एक चेंज इस जगह पर अगर मैंने चेंज की तो पूरी जो बाकी की एप्लीकेशन है वहाँ पर कोई इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो मोनोलिथिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स में अगर आप में से कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो जब भी आप कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे तो एक पूरा रिग्रेशन टेस्ट भी करेंगे कि कहीं और एप्लीकेशन के अंदर कहीं और तो कोई इफेक्ट नहीं आया जो अनवांटेड हो। और फिर क्योंकि एप्लीकेशन का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है आप जब एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि पूरे अगर आप एक बड़ी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर वही बड़ी मशीन अगर छोटे पीसेज में हो तो वो तेज़ी से अप हो जाएगी। रिलायबिलिटी का मसला होता है अगर कोई मोनोलिथिक एप्लीकेशन है और उसके अंदर एक बग आ गया तो पूरी एप्लीकेशन खतरे में आ जाएगी क्योंकि वो एक बग किसी एक मॉड्यूल के अंदर पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकती है। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे जो एप्लीकेशंस बनी हुई होती हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है कि आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी अगर ट्राई करना चाहें तो क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइटली कपलिंग हुई भी होती है कि आप एक जगह अगर चेंज करेंगे तो एक तो ये वाला आ जाएगा कि आपको रिग्रेशन टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे ठीक है। और फिर न्यू टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो रैपिडली चेंज होती हैं तो आपने अपने एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में कोई नई फ्रेमवर्क फॉर एग्जांपल ट्राई किया और जो फ्रेमवर्क के जो भी लीडरशिप है उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना तो होगा क्या कि आपने जो यूज़ किया होगा फ्रेमवर्क वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि क्योंकि आप जितनी तेज़ी से एक स्मॉल स्टार्टअप जो फ्रेमवर्क बना रहा होता है उसकी स्पीड पर अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकते तो आपको बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि उसमें ना जाएं मेन एप्लीकेशन के अंदर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमेशा घबराएंगे। तो ये तो हो गया मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो अभी तक चल रहा था। अब हम इसके अल्टरनेट पर बात करते हैं जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। अब हमने क्या किया कि जैसे मोनोलिथिक में क्या था कि सारी चीजें एक बॉक्स के अंदर पैकेज कर दी। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जिस पे हम जानना चाह रहे हैं उसमें क्या किया है कि जो पूरी एप्लीकेशन है उसको ब्रेक कर दिया है इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स और सारे इंडिपेंडेंट ठीक है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होगा कि हम बना तो एक एप्लीकेशन रहे हैं लेकिन उसको बनाने के लिए हम छोटे 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 सर्विसेज यूज़ करेंगे। हर माइक्रो सर्विस जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हम बनाएंगे वो उनका अपना एक पूरा प्रोसेस होता है वो आइसोलेशन में चल रही होती हैं और वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग APIs। APIs क्या होती हैं वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे लेकिन जस्ट टू मेक इट शॉर्ट APIs होती हैं कि आप दो एप्लीकेशंस को डेटा सेंड एंड रिसीव करने के लिए इसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ठीक है। अगर किसी को साउंड का इशू हो रहा है तो वो आपके एंड पर है आपके स्पीकर सिस्टम में मसला होगा कोई क्योंकि बाकी सबको साउंड का इशू नहीं हो रहा।
माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो क्या एडवांटेजेस हैं? बैकग्राउंड नॉइज है, एक सेकंड होल्ड करें, मैं इसको चेक करता हूँ। अब ठीक है साउंड? ओके, अच्छा तो वापस आ जाते हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो क्या हैं? हाई लेवल पे अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसमें डीकपलिंग हो जाएगी, क्योंकि जो मेन जैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो सारी चीज़ें एक साथ कपल्ड थी, यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज में वो डीकपलिंग हो जाएगी, उसके फ़ायदे भी कुछ होंगे और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्प्लिकेशंस होंगी अगर हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। तो पहला, बेटर ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हर माइक्रो सर्विस का एक स्पेसिफिक काम होता है, एक टास्क होता है और वो एक ही काम करता है, ठीक है। तो जो आपकी मेन एप्लीकेशन है उसके जितने फीचर्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू डिफरेंट जॉब्स, ठीक है, और हर जॉब के लिए एक माइक्रो सर्विस डेवलप हो जाती है। तो आपकी जो एप्लीकेशन पहले एक मेस बनी हुई होती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी अपनी इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज बनेंगी। और दूसरा क्या है कि सर्विसेज डीकपल्ड हो जाएंगे। तो डीकपलिंग से क्या फायदा होगा कि आप किसी एक कंपोनेंट में, कोई एक माइक्रो सर्विस में अगर आप चेंज करेंगे तो वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइसोलेशन में होंगे, एक दूसरे के साथ पैकेज नहीं होगा। आप किसी भी माइक्रो सर्विस को अपडेट भी कर सकते हैं और आप कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि आपने क्या किया है कि सिंगल पैकेज से सेपरेशन करके डिफरेंट पैकेजेस में कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करेंगे, तो किसी भी एक जगह पर अगर आप चेंज करेंगे तो दूसरी माइक्रो सर्विस में उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इससे एक और फायदा क्या होगा कि बहुत तेजी से और इंडिपेंडेंटली आप किसी भी एक पार्ट को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस, अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो, माइक्रो सर्विसेज से आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वो इस तरह से कि आपकी पूरी एप्लीकेशन है जो अगर मोनोलिथिक में पैकेज है तो उसको अगर आप स्केल करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी पूरी एप्लीकेशन में से किसी एक फीचर को स्केल करना, फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपने माइक्रो सर्विसेज बनाई हुई हो तो आप एक सर्विस को जहां पर लोड ज़्यादा है उसको इंडिपेंडेंटली आप स्केल कर सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ रियल में, तो अभी नेटफ्लिक्स का किसी ने जिक्र किया था चैट में, तो नेटफ्लिक्स से क्या होता है कि नेटफ्लिक्स एक पूरी एप्लीकेशन है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक तो उसका स्ट्रीमिंग सिस्टम है कि जिसके थ्रू आपको वीडियो स्ट्रीम करने का जो कोड है, एक तो वो है। तो एक ये माइक्रो सर्विस है। एक और माइक्रो सर्विस है जो आपको, फॉर एग्जांपल जो आपके रेकमेंडेशन इंजन है कि आपने जो हिस्ट्री देखी थी, जो भी आपकी वीडियोस
वॉच हुई हैं उसको देख के एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशन देना. तो ये कोई एआई का कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है, इस तरह से नेटफ्लिक्स के पूरी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं. ठीक है, एक एक माइक्रो सर्विस होगी जिसके थ्रू आपकी सब्सक्रिप्शन मैनेज होती है. ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ये मोनोलिथिक डिज़ाइन पर होगी तो पूरी एप्लीकेशन आपको एक साथ स्केल करनी पड़ेगी हमेशा. लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंटली स्केल करना हो किसी एक फंक्शन को, सॉरी यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा कि अगर मोनोलिथिक है तो पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि नेटफ्लिक्स क्लाउड नेटिव पे बनी हुई है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, वो क्या कर सकते हैं कि वो एनी टाइम देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस को स्केल करना है और सिर्फ उसी सर्विस को वो स्केल कर सकते हैं. तो अगर इसको और एग्जांपल को अगर स्टडी करें तो होगा क्या कि अगर आप एक 24 आवर्स को अगर आप एनालाइज करें. अच्छा, ये मेरा एग्जांपल थोड़ा सा आउटडेट हो गया क्योंकि ये प्री कोरोना के हिसाब से एग्जांपल है. ठीक है, कि प्री कोरोना टाइमिंग में लोग दिन के वक्त अपने ऑफिस में होते थे या अपने अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं आउटडोर, घर पे नहीं होते थे नॉर्मली. तो दिन के वक्त नेटफ्लिक्स पे लोड कम होता था क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे होते थे. अच्छा, फिर शाम के वक्त जैसे जैसे ऑफिस से ऑफ होते घर आए लोग, तो शाम के वक्त फिर उनको अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स खोल के देख सकें. तो अगर आप नेटफ्लिक्स का यूज़र बेस और ट्रैफिक अगर स्टडी करें तो दिन के वक्त ट्रैफिक कम होता था और शाम के वक्त जो प्राइम टाइम कहते हैं उस वक्त आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है एंड देन अगेन मॉर्निंग तक वो रिड्यूस होकर, और एक ये साइकिल था कि शाम के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा और दिन के वक्त ट्रैफिक कम. तो जिस वक्त ट्रैफिक आपका इंक्रीज हो रहा था नेटफ्लिक्स के एग्जांपल में, अगर शाम के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो शाम के टाइमिंग पर वो जो स्ट्रीमिंग माइक्रो सर्विसेज हैं उनको स्केल कर सकते थे. ठीक है, उससे क्या होगा कि जितना लोड आ रहा है उसके हिसाब से स्ट्रीमिंग को स्केल करते रहें और जैसे ही ट्रैफिक कम होगा तो उसको रिड्यूस करते रहें. लेकिन स्ट्रीमिंग के स्केल करने की वजह से जो बाकी की एप्लीकेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एज इट इज़ चलती रहेगी, क्योंकि आपके जो एआई के कंपोनेंट्स होंगे या सब्सक्रिप्शन के कंपोनेंट्स होंगे या और जो भी चीज़ें होंगी वो उनको तो स्केल करने की ज़रूरत नहीं होगी ना. ठीक है, मैं यहाँ पर 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ. मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इशू हो रहा है तो मैं दूसरे रूम में जाके ताकि वहाँ से कंटिन्यू कर सकें. तो आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स.
अच्छा आई एम बैक सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा मैं स्टूडियो में आ गया हूँ असल में, तो यहाँ पर वो क्रोमा है। अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड है क्या चीज। बिल्कुल सिंपल कर दें अगर, तो वो एक कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है। ठीक है, कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस से, लोगों से आपस में कम्युनिकेट कर सकें, वो सारा क्लाउड के थ्रू हो रहा होता है। ज्यादातर जब क्लाउड की बात कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग इंटरनेट की बात कर रहे होते हैं। अगर स्पेसिफिकली देखें तो क्लाउड किसी डेटा सेंटर की बात हो रही होती है कि कोई एक फिजिकल लोकेशन होती है जहां पर बहुत सारे रैक्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सर्वर मशीन्स लगी होती हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, और उस डेटा के साथ हम आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं उसके थ्रू हमें ये सारी सर्विसेज पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो अगर क्लाउड की बात हो रही होती है तो उस डेटा सेंटर की बात हो रही होती है जिसको हम इंटरनेट के ज़रिए से एक्सेस करते हैं, और फिर वही डेटा सेंटर्स हमारे कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स का पार्ट होते हैं। तो एक क्लाउड जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, वैन कहते हैं इसको, जो पब्लिक इंटरनेट है जो हमारा, वो एक वैन है। ठीक है, और वो कोई प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है, वो कोई नेशनल लेवल का भी नेटवर्क हो सकता है, और वो कोई ग्लोबल नेटवर्क भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात हो रही है और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क है तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और लैन। ठीक है, तो दीज आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अगर हम कैटेगरीज बना दें तो तीन टाइप के क्लाउड्स हैं जो बाय डेफिनेशन अगर आप समझना चाहें, पहला प्राइवेट क्लाउड, दूसरा पब्लिक क्लाउड, एंड थर्ड हाइब्रिड क्लाउड। ये स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है। प्राइवेट क्लाउड क्या होगा, अगर आपका इंटरनल क्लाउड है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपका अपना डेटा सेंटर है और आप सारी कंप्यूटिंग पावर इन हाउस रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाती हैं, बैंकिंग सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके पास सेंसिटिव डेटा होता है, वो चाहती हैं कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो उनकी ही लोकेशन पर रहे, बाहर कहीं और पे सेव ना हो। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट क्लाउड्स बनाती हैं जिसके ऊपर वो सारी अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो उस प्राइवेट क्लाउड के थ्रू एक्सेस देती हैं। ठीक है, दूसरा है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होगा कि जो आपके पास जो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अमेज़ॉन, ठीक है, सबसे बड़ा अमेज़ॉन है। उसमें क्या होता है कि अमेज़ॉन के अपने डेटा सेंटर्स हैं और वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर कुछ स्पेस आपको रेंटल के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, तो आप उनको हर महीने पेमेंट करते हैं और वो आपको उनकी मशीन यूज़ करने का एक्सेस दे देते हैं। तो अमेज़ॉन है, गूगल का क्लाउड अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का, अजोर का क्लाउड अलग है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट क्लाउड्स एग्जिस्ट करते हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। तीसरा
जो है वो एक हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटेजी होती है, जिसके अंदर आप प्राइवेट क्लाउड भी यूज़ करते हैं और पब्लिक क्लाउड भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ डेटा आपका ऐसा होगा जो सेंसिटिव होगा, वो उसको आप पब्लिक क्लाउड पे नहीं रखना चाहेंगे, ठीक है? तो आप उसको एक प्राइवेट क्लाउड सर्वर पे अपने पास रखेंगे, ठीक है? जैसे कि किसी कस्टमर की पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो होती है, उसका नाम, CNIC नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, फिर उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें आप चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये आप एक प्राइवेट सर्वर पे मेंटेन रखेंगे। और दूसरे एंड पे कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो आप अभी ट्राई करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर इट डजेंट मैटर कि कोई इंफॉर्मेशन क्लाउड पे भी आप पब्लिक क्लाउड पे रख दें, तो उसके लिए आप पब्लिक क्लाउड पे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो ये तो हो गया क्लाउड, कि क्लाउड एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेनली डेटा सेंटर्स। क्लाउड नेटिव क्या है? क्लाउड नेटिव क्या है? क्लाउड नेटिव फाउंडेशन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और ये क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया में क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग अडॉप्ट हो जाए। और अगर एक कोटेशन क्लाउड नेटिव से ले लें, तो क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज एम्पावर ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड एंड रन स्केलेबल एप्लीकेशंस इन मॉडर्न डायनेमिक एनवायरनमेंट सच एज पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड्स, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम ऐसी एप्लीकेशंस बनाएं जो स्केल हो सकें, और उनको हम या तो पब्लिक क्लाउड में, या प्राइवेट क्लाउड में, या हाइब्रिड क्लाउड में, या इसमें मल्टी क्लाउड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजीज के हिसाब से हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो और उनको स्केल करें? अगर कोई अल्टरनेट डेफिनेशन चाहिए तो ये भी है क्या, कि एन अप्रोच दैट बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज माइक्रो सर्विसेज एंड रन देम ऑन अ कंटेनराइज एंड डायनामिक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो एप्लीकेशन, अच्छा ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, पहले वाली जी जो थी वो थोड़ी सी फंक्शनल टाइप की थी जो बिजनेस के लोगों को समझ आए, और ये वाली एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि आप ये अचीव कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में क्रिएट करेंगे, और उनको रन करने के लिए कंटेनराइजेशन यूज़ करेंगे, और किसी ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे डिफरेंट क्लाउड्स पे, ठीक है? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे बनाई हैं, ये नहीं देखते कि वो कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है? डिप्लॉयमेंट जो है वो हम कहीं पे भी कर सकेंगे, ठीक है? तो हमारा जो फोकस है वो एप्लीकेशन को बनाने के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है? इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, डेवऑप्स, एजाइल, माइक्रो सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करना और उनको ऑर्केस्ट्रेट करना, और कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है? इन चीज़ों को हम वन बाय वन रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डेवऑप्स। अगर आप इस वक्त किसी भी जॉब पोर्टल पे जाएं, या किसी भी लिस्ट को चेक करें, कोई भी जो स्टडीज़ होती है ना कि कौन सी फील्ड्स जो हैं वो ग्रो करेंगी, तो सबसे ऊपर AI के साथ साथ डेवऑप्स भी आएगा। डेवऑप्स में क्या है कि आपकी जो पिछला ज़माना जो अब गुजर गया है, उसमें क्या है कि आपके पास टीम्स होती हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ टीम्स होती हैं जो अपने अपने स्पेशलिटी एरिया में आइसोलेशन में काम कर रही होती हैं, ठीक है? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कह लें आप, तो इवन टेक्निकल टीम के अंदर भी आपके पास डिफरेंट
ग्रुप्स बन जाता है, जिसमें एक डेवलपमेंट टीम होती है, एक टेस्टिंग टीम होती है, एक डिप्लॉयमेंट टीम होती है, बिजनेस एनालिस्ट टीम अलग होती है. तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज जो सारे एक डायरेक्शन में तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स में हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को साथ लेकर आ रहे हैं, एक मर्जर कर रहे हैं दोनों का. ठीक है, और आप लोग जो इस प्रोग्राम का प्रोडक्ट निकलेंगे, आप लोग डेवऑप्स के स्पेशलिस्ट होंगे, क्योंकि आप डेवलपर भी होंगे और आपको ऑपरेशंस करना भी आता होगा, क्योंकि आप एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकेंगे और आप एप्लीकेशन को डेवलप तो करना सीखेंगे. ठीक है, अच्छा, तो डेवऑप्स क्या है? इसके कुछ स्टेजेस हैं कि आप सारा शुरू कहाँ से होता है, प्लान से. ठीक है, तो आपका एक प्लान होता है, उस प्लान को आप कोड करते हैं. कोड जब बन जाता है तो आप उसको गिटहब के अंदर चेक इन कर लेते हैं. ठीक है, जब आप गिटहब के अंदर चेक इन कर लेते हैं तो फिर आप उसको टेस्ट करते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं टू द कस्टमर. रिलीज कैसे करते हैं? आपका पूरा जो डेवलपर की जो पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एक पूरा रिलीज कोड आपका तैयार हो जाता है, टेस्टेड होता है, वो आपका एक पूरा एज अ रिलीज, उसको हम कहते हैं एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर, वो रिलीज हम डिप्लॉय करने जाते हैं. डिप्लॉय के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, डॉकर, कुबरनेटीज, टेराफॉर्म, इस तरह के टूल्स हैं जो डिप्लॉयमेंट्स करेंगे. और फिर हम क्योंकि डिप्लॉय हो चुका होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुका होगा और कस्टमर उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो हम ऑपरेशंस मोड में भी होंगे और इस सारी चीज़ को हम मॉनिटर कर रहे होंगे. ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पर भी होंगे, जिससे हम अपने जो हमारा क्लाउड सर्वर है जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन चल रही हैं, उसको हम मॉनिटर करते रहें कि कहीं पर अगर एट एनी टाइम इशू होता है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें. एंड देन बैक टू द प्लानिंग. और ये एक नेवर एंडिंग एक साइकिल बन जाती है कि हम प्लान करें, कोड करें, उसको डिप्लॉय कर दें, फिर हम प्लान करें, कोड करें, उसको डिप्लॉय कर दें. और इस तरह से आप कंटिन्यूसली कस्टमर तक नई सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे. तो डेवऑप्स जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है जो इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस कोर्स के थ्रू. दूसरा एजाइल है. एजाइल में क्या होगा? ये हमारा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम कोड करेंगे. ठीक है, एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए. असल में होता है क्या है कि जैसे अगर आपने कभी किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की हो या बनाया हो या कंपनी में पार्ट लिया हो जिसने कुछ क्रिएट करने का काम किया हो, अगर वो एजाइल पे नहीं काम किया होगा आपने, तो मेजॉरिटी चांसेस ये हैं कि वो फेल हो गया होगा. ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनकी मेथडोलॉजी ठीक नहीं होती, वो कोई नया काम करने आते हैं जिसको हम नॉलेज वर्कर का एक टाइटल देते हैं, कि जब आप कोई नई डोमेन में आते हैं और कोई इनोवेशन करना चाह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सीख सीख के आपको बेहतर प्रोडक्ट देना होता है. ठीक है, तो उसके लिए एजाइल मेथडोलॉजी यूज़ होती है. अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि वो उनकी उनका फोकस क्या होता है कि मैं जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट रिलीज करें वो परफेक्ट हो. ठीक है, तो उस अप्रोच में वो मारे जाते हैं एंड नथिंग रियली एवर हैपेंस और वो कंपनी बंद हो जाती है. तो आप लोग
जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे मोस्ट लाइकली वो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस के ऊपर काम कर रहे होंगे, क्योंकि अगर डेवऑप्स है तो वो एजाइल के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एजाइल डेवलपर्स विजुअलाइज करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो उनका पूरा सॉफ्टवेयर एक सिंगल पीस नहीं है, वो बहुत सारे पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स किस लिए हैं, कैसे किस तरह से वो सोचते हैं ये, क्योंकि हर चीज़ को पूरी सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंटल तरीके से बनाया हुआ होता है। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से पिक्चर करते हैं कि अगर पूरी जैसे नेटफ्लिक्स की अगर पूरी एप्लीकेशन है, तो जो एजाइल अप्रोच से नहीं देख रहा होगा, जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया नहीं होगा, वो क्या देखेगा, आउटसाइड आउटसाइडर होके। हाँ, नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन है, उसमें मूवीज देख सकते हैं, टीवी सीरीज देख सकते हैं, एंड सो ऑन, जो भी उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, और उसको एज अ सिंगल पैकेज देखेंगे। लेकिन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो उसको देख के ही समझ जाएंगे कि ओके, देर इज अ स्ट्रक्चर और दीज आर द डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपको एक एजाइल माइंडसेट में भी आना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे होंगे वो इंक्रीमेंटल तरीके से होगा। डे वन को आपको नहीं पता होगा कि एंड प्रोडक्ट एक्चुअली में बनेगा क्या। और दूसरी तरफ होती है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, जिसमें आप एक बार बैठते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर अभी हम दो अभी करोना है ना, सिंपल सी एक मैं समझाता हूँ इस तरह से। वाटरफॉल मेथड में क्या होगा, अगर हम करोना का इलाज करना चाह रहे हैं, वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, तो वाटरफॉल मेथड में क्या होगा कि हम सारा टाइम शुरू में लगाएंगे रिसर्च करने में, और होगा क्या कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, टीम बनाएंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, एक प्लान बना लेंगे कि वायरस इस तरह, वैक्सीन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आपका पूरा एक रोड मैप होगा कि अगले 6 महीने में हम वैक्सीन बना लेंगे, ये तरीका है वैक्सीन बनाने का। ठीक है, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करने चले जाएंगे, 6 महीने तक आपकी टीम लग जाएगी वैक्सीन बनाने के लिए, और आपको कुछ नहीं पता होगा कि व्हाट इज द प्रोग्रेस। 6 महीने के बाद क्या होगा कि या तो उन्होंने वैक्सीन बना लिया होगा, या मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो वैक्सीन नहीं बना होगा, बिकॉज प्लान बनाते वक्त उनको ग्राउंड रियलिटीज पता ही नहीं थी कि कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो वाटरफॉल मेथड अगर वैक्सीन बनाने में लगाया तो बहुत बुरा मारेंगे, क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं पता कि कोरोना का वैक्सीन बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, तो वो रिसर्च करेंगे, वो एजाइल में होगा। एजाइल में देखें अब फर्क क्या होगा, एजाइल में क्या होगा कि जो एक साइंस का जो तरीका होता है, अगर आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर मैं ये करूँगा, एक सर्टेन कोई स्टेप लूंगा, तो उसका आउटकम मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, कोरोना का वैक्सीन बनाने की एक स्ट्रेटजी ए, तो स्ट्रेटजी ए अप्लाई करूंगा तो वैक्सीन बन जाएगा। अच्छा, इसको आप एज एन एक्सपेरिमेंट रन करेंगे, अगर वो एक्सपेरिमेंट पास होता है तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो फिर आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप हाइपोथेसिस को एडजस्ट करेंगे, आप एक्सपेरिमेंटेशन करके आपको चीज़ें करके समझ आएंगी कि कोरोना वायरस एक्चुअली में है क्या और उसका वैक्सीन बनेगा कैसे। ठीक है, तो इस तरह से आप इंक्रीमेंटली इंक्रीमेंटली सीख सीख के थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स आप फिर एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और ये पहले दिन बैठ के कोई भी डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या होगा कि वाटरफॉल प्लान ड्रिवन है, और एजाइल जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन ड्रिवन है। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे एजाइल के ऊपर। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है एक
बिल्डिंग बनानी है तो आप एजाइल नहीं करें, आप वाटरफॉल पे चले जाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कोई सरप्राइजेज इस तरह के नहीं होते, उसमें आप पहले दिन प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप रोड बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको वाटरफॉल में कर सकते हैं, क्योंकि रोड बनाने का एक सिंपल तरीका है, उसको आप फॉलो कर लें तो आप प्लान बना के उसको बना देंगे। लेकिन अगर आप कोई इनोवेटिव टाइप का कुछ काम करने जा रहे हैं तो आप पहले दिन उसका प्लान नहीं बना सकते, आपको एक एजाइल अप्रोच के साथ लेके चलना होगा, ताकि आप उसको सिस्टमेटिकली सीख सीख के आप प्लान एडजस्ट करते रहें। ठीक है, और आपके जो एजाइल में जो आपका एक हाई लेवल प्लान होता है उसको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहते हैं, कि अभी जो हमने फॉर एग्जांपल एक एक हफ्ते का जो काम किया था उससे क्या सीखा, उससे जो भी सीखा होता है वो फिर आप अगले हफ्ते में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एजाइल में आपको फीडबैक जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो आपको वो कंटिन्यूसली आपको फीडबैक देते रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस का जो रिस्पांस है वो एजाइल है। किस तरह से, कि जैसे इवन ऑन द फेडरल गवर्नमेंट लेवल, इवन आपका जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, हर थोड़े दिन बाद टीवी पे आता है, डेली वो अपनी टीम के साथ बैठ के मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, लास्ट वीक क्या हुआ था, उससे सीख के अगले वीक की पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कोरोना को फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो कोई सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो हर कोई एक फेज के थ्रू गुजर रहा है कि यू आर लर्निंग, और जो भी आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करके बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और इस वाले पॉइंट में मैं ये कह रहा था कि क्योंकि इवन गवर्नमेंट भी इसको एजाइल पे लेके चल रही है, तो इतना हाई लेवल इवन आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी जो है, क्योंकि वो इस चीज़ का स्टेक होल्डर है, वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको पता होता है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो दे नो एवरीथिंग, उनको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकें। एजाइल से बहुत सारी रिसोर्सेस बच जाती हैं जो आप वेस्ट कर देते अगर कोई ऐसा काम करने जाते जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल हम कोरोना की बात ही कर रहे हैं तो उसी पे लेके चलते हैं। फर्ज करें कि इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा पता नहीं, कोई 25-30 हज़ार वेंटिलेटर्स चाहिए पाकिस्तान में, इसी तरह से अमेरिका में भी चाहिए, तो हर जगह वेंटिलेटर्स चाहिए। अच्छा, अगर आप वाटरफॉल पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि मुझे दे दो 30 हज़ार वेंटिलेटर्स, आई बाय इट नाउ, और उसका खर्चा आता जो भी कितना, आई थिंक $2 बिलियन का आया था शायद एस्टिमेट, ऐसी कुछ था, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। तो वो होगा वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें 30 हज़ार वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। अगर वाटरफॉल पे जाते हैं तो वो हम आज ऑर्डर करके बैठ जाएंगे और $2 बिलियन खर्च कर देंगे जो हमारे पास है भी नहीं, फिर हम जा रहे होंगे कोरोना के बाद चाइना के पास, सऊदीया के पास, कि हमें फिर से कर्जा दे दो ताकि हम अपना लोन उतार सकें। अगर हम एजाइल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि हम आज 30 हज़ार वेंटिलेटर्स ऑर्डर नहीं कर रहे, हमें ये देखना है कि हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें नीड कितनी है। ठीक है, इस वक्त हमें नीड नहीं है, अगर सिचुएशन वर्सन होती है तो फिर उस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक आ जाए, वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज हम उसका ऑर्डर भी प्लेस कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।
फिर माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन जो होती हैं वो माइक्रो सर्विसेज का एक कलेक्शन होती हैं, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन होगी, उसको डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में डेवलप करके वो जब सारे आपस में कोऑर्डिनेशन में चल रही होंगी तो वो आपकी पूरी एप्लीकेशन रनिंग में आ जाएगी। एक बड़ी एप्लीकेशन नहीं बना रहे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी अलग अलग एप्लीकेशंस बनाएंगे, और ये हर जो छोटी एप्लीकेशन है इसको माइक्रो सर्विस कहते हैं। और ये जब सारे साथ में मिलके काम करेंगे ये हमारी ओवरऑल एप्लीकेशन बन जाएगी, जो हम ट्रेडिशनली अगर देखते तो मोनोलिथ जो होता है वो हम इस तरह से बना लेंगे कि सेपरेट एप्लीकेशंस हो, लेकिन जब वो आपस में साथ मिलके काम करें तो वो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन तैयार हो जाए। हर माइक्रो सर्विस की एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, उसका एक टास्क होता है और वो वही टास्क करता है, दूसरा काम में नहीं जाता, दूसरा काम में अगर तो उसकी माइक्रो सर्विस अलग बनेगी। तो उसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, जैसे हमारे घरों के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती है ना कि ये हमारी जगह है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, तो इसी तरह से माइक्रो सर्विस की एक बाउंड्री है, वो वेल डिफाइंड है कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर मुझे रहते हुए काम करना है। और दूसरी माइक्रो सर्विस से अगर कम्युनिकेशन करनी है तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई के थ्रू आप डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं दूसरी माइक्रो सर्विस से। और माइक्रो सर्विस को एक छोटी सी टीम डेवलप भी कर सकती है और ऑपरेट भी कर सकती है। माइक्रो सर्विसेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर हमने एप्लीकेशन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे और वहाँ पर कोड करेंगे सेपरेशन में रख के, तो क्योंकि वो एप्लीकेशन छोटी होगी ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि कोड भी उसका कम होगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो हम उसको आराम से या ज़्यादा आसानी से उसको समझ भी सकेंगे कोड को देख के, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको एक छोटी चीज़ पे फोकस करना है, पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। तो जो ब्रेक डाउन है उसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी डील करने में, अदरवाइज आप सोचें कि आप नेटफ्लिक्स में काम कर रहे हैं और एकदम से कोई बग आ जाता है और स्ट्रीमिंग नहीं चल रही, अगर आपके पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होगा आप बैठ के ना आप परेशान हो जाएंगे कि मैं ढूंढूं कहाँ पर के बग कहाँ पर है, लेकिन अगर माइक्रो सर्विस में बना हुआ है तो फिर आपके पास जो एरिया है जहाँ पे आपने सर्च करना है वो छोटा हो जाएगा, तो आपने एक स्मॉलर एरिया में डीबगिंग करनी होगी और वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी उससे। क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है और पर्टिकुलर टास्क को माइक्रो सर्विसेज में ब्रेकअप कर दिया, तो क्या होगा कि हम डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेज़ी से करते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हमें अडेप्टिंग करने में आसानी होती है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि अक्सर आप कोई चीज़ बनाते हैं और उसको एडजस्ट करना होता है, उसमें कोई चेंजेस करनी होती हैं या रिक्वायरमेंट बदल जाती है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ये कि हम रिपीटेडली एक फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकें। तो अगर माइक्रो सर्विस में बनी होगी और बाकी एप्लीकेशन से सेपरेशन में होगी तो हम उसको इजीली फोकस करके ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया उसमें चेंज कर सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट द अदर पार्ट्स। ये वही वाली बात कंटिन्यू है कि अगर आपने एक जगह चेंज किया है एक माइक्रो सर्विस में तो आपको बाकी पूरी एप्लीकेशन की फिक्र नहीं करनी होगी, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपकी एपीआई के थ्रू डेटा सेंड रिसीव हो रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम। और अब हमने सेपरेशन कर लिया, हमारी एप्लीकेशन में डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बन गई हैं,
तो हमारी स्केलेबिलिटी में इफिशेंसी बढ़ गई कि हम एक पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस को या एक फंक्शनैलिटी को इंडिपेंडेंट करके उसको स्केल कर सकते हैं, तो इफिशेंसी बढ़ गई ऑब्वियसली, राइट? क्योंकि हमें पूरी एप्लीकेशन को अब स्केल नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ उस एक एरिया में फोकस करके वहां पर स्केल कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो अब क्या करते हैं कि वो आपको पे एज यू गो वाला मॉडल आपको मिलता है। पे एज यू गो मॉडल में क्या होता है कि जितना आपने यूज़ किया है उतना आप पे करेंगे, ठीक है? आपने यूज़ किया क्या होगा, आपने स्टोरेज यूज़ की होगी, आपने मेमोरी यूज़ की होगी, आपने सर्वर का टाइम यूज़ किया होगा, इस तरह से। तो जितनी आप रिसोर्स यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपका बिल बनता है। तो अगर आप मोनोलिथ पे जाते हैं और मोनोलिथ पे आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं अमेज़ॉन पे और उसको फिर स्केल करते हैं, तो अननेसेसरीली आपकी पूरी एप्लीकेशन भी स्केल होगी, तो आपकी जो आपका जो बिल बनेगा वो इनएफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने माइक्रो सर्विस बनाई हुई होगी और आप पे एज यू गो मॉडल पे चल रहे हैं तो आप सिर्फ उतना पे करेंगे जितना आपने वाकई में यूज किया, ठीक है? हाँ, अब मसला यह है कि हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो फायदे तो मैंने बताए माइक्रो सर्विसेज के काफी हैं, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होता ना, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। माइक्रो सर्विसेज से हमारी एप्लीकेशन की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी तो रिमूव हो जाती है, लेकिन एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास अब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आ जाता है, आपके पास एक इन्फिनिट नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जितना आप स्केल करेंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो आपके जो सिस्टम्स होंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब वो एक एप्लीकेशन एक सिस्टम नहीं रहा, अब इट कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। जब हम माइक्रो सर्विस में एप्लीकेशन को स्केल करते हैं तो होता क्या है कि हमारी एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस होता है, लेट्स से इंस्टेंस वन, जब हम स्केल करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी ऑन अ डिफरेंट सर्वर, ठीक है? तो वो इंस्टेंस टू बन जाएगा, एंड थ्री एंड फोर एंड सो ऑन। जितनी भी हमें कॉपीज चाहिए होंगी हमारे एप्लीकेशन की उतनी कॉपीज बनती चले जाएंगी, और उन कॉपीज पे अलग अलग यूजर का ट्रैफिक आ रहा होगा। अब मसला क्या है कि हमारी जितनी माइक्रो सर्विसेज हैं वो आपस में जो कम्युनिकेशन करती हैं वो APIs के थ्रू करती हैं। जब हम माइक्रो सर्विस को स्केल करेंगे और उसके उसको रेप्लिकेट करेंगे, एक माइक्रो सर्विसेज से दो बनाएंगे तीन बनाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हमें एक माइक्रो सर्विस से बात नहीं करनी होगी, अब हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन मैनेज करनी होगी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई माइक्रो सर्विस स्लो हो जाती है या रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है तो उसको भी हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर आपका पूरा सिस्टम है उसके अंदर एक कोई माइक्रो सर्विस आ जाती है जो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है तो आपके सिस्टम को वो फिर इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो हमें मॉनिटर करना होगा कि कौन सी ऐसी माइक्रो सर्विस है जो स्लो हो गई है या अनअवेलेबल हो गई है, ताकि हम उसका कोई एक्शन ले सकें। अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये कि क्लाउड पर तो है लेकिन एक सर्वर पर नहीं होगी, हमारी एक से ज़्यादा सर्वर्स के ऊपर होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मशीन्स के ऊपर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई भी होगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन डिफरेंट क्लाउड सर्वर्स। तो जितने सिस्टम्स हमारे बढ़ते जाएंगे, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी, जितनी हम स्केल करेंगे उसके
साथ साथ हमारी मॉनिटरिंग टफ हो जाएगी, क्योंकि हम कितने सिस्टम्स को मॉनिटर करेंगे। अब मॉनिटरिंग में क्या होगा, अगर मोनोलिथ होता तो हमें तो एक ही एक या कितनी बार हम रेप्लिकेट करते हैं मोनोलिथ को, कुछ कुछ बार रेप्लिकेट कर लेते, तो हमारे पास मॉनिटर करने के लिए एक मतलब ज़्यादा होते सिस्टम्स, लेकिन इतने भी नहीं होते कि अनमैनेजेबल हो जाता। लेकिन माइक्रो सर्विस में तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी कि हम मॉनिटरिंग कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं माइक्रो सर्विस में, और इनको एड्रेस कैसे करेंगे इस पर आते हैं। पहले हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं, कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब हम टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात कर रहे थे, तो उसमें तीन स्ट्रेटेजीज थी, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। जो पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटेजीज हैं, वहाँ पर ये अप्लाई करता है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती अपना पूरा डेटा सेंटर बनाने बनाने के लिए, और इट डजेंट मेक सेंस। क्यों आप इन्वेस्ट करेंगे सर्वर मशीन्स के ऊपर और इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है जिसने वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ हो, जिसके पास वो टीम्स हों जो उसको लुक आफ्टर करते हों, और वो पूरी आपकी मैनेजमेंट कर रहा हो। तो इट डजेंट मेक सेंस क्या इस दुनिया में, अब इट डजेंट मेक सेंस क्या आप अपने प्राइवेट क्लाउड बनाएं, अनलेस आपको उसकी वाकई ज़रूरत है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स आपको ऑन डिमांड अवेलेबल कर देते हैं उस प्लेटफॉर्म का कंप्यूटिंग रिसोर्स। ठीक है, उसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगी, कंप्यूटिंग पावर मिल जाएगी। ठीक है, और आप इवन उसके सिस्टम की मैनेजमेंट भी मैन्युअली कर सकेंगे। जनरली डिस्क्राइब करता है ये टर्म वो डेटा सेंटर्स जो कमर्शियली अवेलेबल हैं। कमर्शियली अवेलेबल क्या मतलब, कि आप उस कंपनी को पे कर सकते हैं और उसकी जो इक्विपमेंट और रिसोर्सेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। जो ज़्यादा बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अमेजॉन और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनके इनका एक डेटा सेंटर नहीं होता, इनके मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन है, उनकी दुनिया में हर जगह पर सर्वर्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि आप रीजन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस जगह पर सर्वर क्रिएट करना है। और एक चीज होती है एज सर्वर। एज सर्वर क्या होता है, कि आपके यूजर के बिल्कुल पास हो। इसको कहते हैं कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स है जो डेटा सेंटर के साथ काम कर रहा होता है। इसकी गोल क्या होता है, कि हाई अवेलेबल और हाईली परफॉर्मिंग सोल्यूशन आपको दे जो एंड यूजर के पास हो। ठीक है, तो आपके घर के अंदर एक सर्वर हो सकता है, वो एज सर्वर होगा। ये ज़्यादा यूज़ होता है आईओटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो क्लाउड लिमिटेशन क्या हो सकती है आपकी, आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे जा सकते हैं, तो आपका एक एंटरप्राइज क्लाउड हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका अपना क्लाउड है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंकिंग सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की जो लार्ज एंटिटीज होती हैं, एंटरप्राइजेज होती हैं, ये अपना अपना एंटरप्राइज क्लाउड बना लेती हैं। ठीक है, इनके पास इतना कैश होता है कि ये एक लोकेशन लें, वहाँ पे डेटा सेंटर बनाएं, मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाएं, और वो उसको मेंटेन भी करें। दूसरा ये है कि एक कमर्शियल पब्लिक क्लाउड जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, अजोर हो गया। इसमें क्या होता है कि आप जाएंगे अमेजोन के पास या किसी प्लेटफॉर्म के पास,
और वहाँ से जब आप उनको पे करके उनका सिस्टम यूज़ करेंगे, तो उसी क्लाउड के ऊपर, उस पब्लिक क्लाउड के ऊपर और भी ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा वहीं पे स्टोर कर रही होंगी, उन्हीं सिस्टम्स को यूज़ कर रहे होंगे। और आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि हो सकता है आपका एक अपना एंटरप्राइज क्लाउड भी हो और साथ में आप अमेज़ॉन की सर्विस भी यूज़ करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा पब्लिक क्लाउड अमेज़ॉन है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, अलीबाबा का अपना क्लाउड है, आईबीएम का अपना क्लाउड है। तो ये एक कंपटीशन है, यहाँ पर सब कंपीट कर रहे होते हैं अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी तक अमेज़ॉन लीड कर रहा है क्योंकि अमेज़ॉन सबसे पहले आ गया था इसमें, और इन्होंने जो डेटा सेंटर्स जिस तरह से बना के जो सर्विस इनिशियली दी थी, तो आज तक लोग कस्टमर्स जो हैं वो उनके साथ बाउंड हैं। लेकिन क्लाउड नेटिव के साथ गूगल ने बड़ा खतरनाक जो चाल कहते हैं वो खेली है, वो ये कि कुबरनेटीज को बनाकर ओपन सोर्स करके और अपने प्लेटफॉर्म पे गूगल क्लाउड के ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी इंटीग्रेशन दे दी है कि अब फाइट टफ हो गई है। गूगल काफ़ी सारा शेयर ले रहा है और अमेज़ॉन को टफ टाइम दे रहा है। तो ये है, दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस। लेकिन अभी भी इवेंट्स चल राइट नाउ, अमेज़ॉन अभी भी लीड कर रहा है, लेकिन दिस इज़ अ फाइट। ये आगे कुछ सालों में क्लियर होगा कि क्या गूगल की ये वाली स्ट्रेटेजी इफेक्टिव थी या नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुबरनेटीज इतना पावरफुल है कि अमेज़ॉन मजबूर हो गया और अमेज़ॉन को भी अडॉप्ट करना पड़ गया। ठीक है, तो सारा पूरा ये क्लाउड नेटिव फाउंडेशन बना के ये अमेज़ॉन भी उसका पार्ट बन गया, क्योंकि अदरवाइज वो वाइप आउट हो जाता है। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कैन बीट देम ज्वाइन देम, तो ये वाला। कंटेनर्स, हम लोग कंटेनर्स टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक कंटेनर में पैकेज करके रन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डॉकर पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है मॉड्यूल ए में। तो सिंपल रखते हैं अभी कि एक एप्लीकेशन है, उसका कोड है, उसको हम डायरेक्टली किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जगह हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में उसको पैकेज करके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लो बैटरी अभी, ये वाली चीज़ें अभी हम स्किप करेंगे, डॉकर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें कि डॉकर हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को पैकेज करने के लिए कंटेनर्स के अंदर, और वो कंटेनर्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं स्केलेबिलिटी के लिए। अच्छा, फिर हमें ऑर्केस्ट्रेशन करनी है। हमने डॉकर यूज़ करके हम एप्लीकेशन को कंटेनराइज तो कर सकते हैं, लेकिन स्केल करना, उसकी सारी जो हमने माइक्रो सर्विसेज की जो जितनी भी इश्यूज देखे थे उन सबको मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए हमें कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल चाहिए जिससे हम अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकें, हम स्टार्टअप और शटडाउन किसी भी कंटेनर का ट्रिगर कर सकें ऑटोमेशन पे, हम ये मेक श्योर कर सकें कि जितनी भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं वो सारे अवेलेबल हों एप्लीकेशन के लिए क्लस्टर में हमारे, फिर जितने जितना लोड बैलेंसिंग है उसको हम ऑटोमेट कर सकें, ऑथेंटिकेशन हम ऑर्केस्ट्रेट कर सकें कि डिफरेंट कंटेनर्स के बीच में ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास कर सकें। तो ये सारी काम मैन्युअली होंगे, उससे बचने के लिए हमने कुबरनेटीज को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कि इस टूल से हम ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम डेवऑप्स की जो पूरी साइकिल है उसको कम्प्लीटली ऑटोमेट करते हैं। तो जब आपने
GitHub के ऊपर अपना कोड कमिट किया, वहाँ से लेके ऑटोमेशन के मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए एप्लीकेशन कस्टमर तक पूरी डिप्लॉय हो जाए। तो CI/CD पाइपलाइन क्रिएट होती है, उसके लिए हम जेंकिंस यूज़ करते हैं, ये गेट के साथ ट्रिगर होता है। जब भी आप गेट पे कोड चेकिंग करेंगे तो जेंकिंस की पाइपलाइन इनिशिएट होगी, जेंकिंस फिर कॉल करता है डॉकर को, डॉकर आपकी कोड को पैकेज करता है एक कंटेनर के लिए, एक इमेज बना देता है उसका ताकि कंटेनर्स बन सकें, और फिर उसको डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड एंड कुबरनेटीज के थ्रू, टेराफॉर्म एंड कुबरनेटीज के कॉम्बिनेशन पर क्लाउड के ऊपर उसको डिप्लॉय कर देते हैं, और ये सारा ऑटोमेशन पे चलता है। और जब एक बार डिप्लॉय हो जाता है फिर मॉनिटरिंग के लिए और भी टूल्स आते हैं जो ऑटोमेशन करते हैं। इस वक्त प्रोमीथियस है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जिसका काम क्या होता है कि जो आपका क्लाउड सर्वर, जितने भी क्लाउड सर्वर्स हैं, जो आपका क्लस्टर है, उस उन सब मशीन्स को वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है। जहाँ पर भी कोई इशू आता है वो वहाँ पर अलर्ट ट्रेस कर देगा, और फिर हमारा अगेन ऑटोमेशन पर क्या होगा कि टेराफॉर्म एक टूल है जिसके थ्रू आपके क्लाउड के सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे जब आपको ज़रूरत होगी। तो अगर कोई एक सर्वर में इशू है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा और उसकी जगह नया सर्वर आ जाएगा। तो CI/CD एक कंप्लीट ऑटोमेशन पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनगोइंग ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, ये कंटिन्यूसली हमें ये टूल्स मिल जाते हैं कि हम फोकस करें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, और जो टाइम वेस्ट होता था डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, तो सारा गेम डेवऑप्स का है। मेरी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है तो मैं अपना चार्जर ले आता हूँ, इतने में आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर हम क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, मैं आई विल बी राइट बैक, मैं अपना चार्जर ले आऊँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन होगा, जिसने भी क्वेश्चन करना हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और फिर मैं यहाँ से अनम्यूट कर लूँगा और फिर हम बात कर सकेंगे। तो पहले मिस्टर मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है तो वो उसको क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का कोई फायदा नहीं है जब तक वो माइक्रो सर्विसेज पर ना बने, हाँ एग्जैक्टली। तो उसे दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। तो जितनी पहले से एप्लीकेशन चल रही हैं तो उनको तो फिर इस पे आने में काफी टाइम लगेगा। अब मसला ये है कि वो उनके कंपेटिटर्स इस पर आ रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि अगर वो नहीं करते हैं और कंपीट नहीं कर पाते अपने राइवल्स के साथ जो नए शुरू हुए हैं कंपनीज जो क्लाउड नेटिव पर काम कर रहे होंगे, तो वो बीट हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है सर। अच्छा इसके अलावा सर मुझे मॉड्यूल बी भी लेना है, तो उसकी टाइमिंग वगैरह क्या है और किस मॉड्यूल किन बी डेज चल में? रहा है ट्यूसडे एंड थर्सडे को शाम के वक्त। सर इस वीक क्लास हुई थी इसकी? थर्सडे को नहीं हुई थी, ट्यूसडे को हुई थी, 3 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। सर ट्यूसडे को मैंने कॉल की थी आपके एग्जाम वाले नंबर पर, उन्होंने कहा कि क्लास नहीं है मॉड्यूल बी की, तो समझ में नहीं आया वो क्या चल रहा है क्योंकि कोई ठीक मिस्टेक से हुई गाइड ही होगी। नहीं कर रहा था। अच्छा आप एक काम करें, यहाँ पर हमाद हैं इसी कॉल पे, हमाद ये गुफरान से बात करके ना इनको मॉड्यूल बी में इनको एडजस्ट करा लो। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन ये भी था कि अगर फीस मुझे कंप्लीटली पे करनी हो तीनों मॉड्यूल्स की तो कोई डिस्काउंट है? नहीं हम कंप्लीट फीस लेते ही नहीं हैं, जो मॉड्यूल जिस वक्त आप ले रहे होते हैं उस वक्त की लेते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मैं दो लूंगा तो दो दो की देनी पड़ेगी। ठीक हाँ है सर, ओके थैंक यू। You're welcome. सैयद मुजाहिद हसन। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। जी आदिल मुझे एक बात बताएं, अभी आपने क्यूबरनेटिस की बात करी है तो और डॉकर की बात करी है, ये तो इमेज और क्यूबरनेटिस में आई थिंक डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं ऑटोमेशन की फ्रॉम द कोड फ्रॉम गिटहब टिल द एंड मींस लाइव प्रोडक्शन पे, तो उसमें जेंकिंस एंसिबल और प्रोमेथियस ये सब यूज होते हैं, तो इस कोर्स में क्या हम ये सब पढ़ेंगे? आई मीन फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम द कोड टिल द एंड। हाँ अच्छा होगा ये कि इस कोर्स के जो डायरेक्ट पार्ट्स हैं वो तो मेंशन किए हुए हैं ये सारी चीज़ें। करेक्ट जब कोर्स ख़त्म होगा तो बूट कैंप आएगा, बूट कैंप के अंदर हम जेंकिंस करेंगे और टेराफॉर्म करेंगे और प्रोमीथियस भी करेंगे। बट बूट कैंप भी ऑनलाइन ही होगा या इट हैज टू बी ऑन प्रीमिसेस? बूट कैंप दोनों हाइब्रिड पे चलता है, जो यहाँ पर आ सकते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, जो ऑनलाइन रहेंगे वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो बूट कैंप के अंदर जो कंप्लीट डेवऑप्स की जो बाकी की चीजें हैं वो हम कवर करते हैं उसमें। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर व्हाट इज कंप्यूटिंग पावर और सर इंस्टेंस के बारे में बता दीजिए क्या चीज होती है। अच्छा कंप्यूटिंग पावर में हम जो बात कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, तो इट कैन मीन अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे अगर आप अमेजोन पे जाते हैं ना, EC2 पे अगर आप जाएगा अकाउंट बना के चेक करेगा वहाँ पे, दे हैव डिफरेंट पावर्स ऑफ मशीन्स। उसके अंदर डिफरेंट कन्फिग्योरेशन मिलेंगे आपको, उसके अंदर आपकी स्टोरेज होगी, आपकी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज होंगी, अगर उसमें GPUs हैं CPUs हैं, फिर आपकी रैम कितनी है, तो जो ओवरऑल जो फिजिकली जो आपकी मशीन है ना उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो जितनी भी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो सारी चीजें। थैंक यू सर। यू वेलकम। हामिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे कुबरनेटिस का पूछना था कि ये CI/CD ये इसी का पार्ट है कि सर्वर जो ड्रॉप होगा अगर इशू होगा? CI/CD एक कंप्लीट पाइपलाइन होती है, CI/CD पाइपलाइन कहते हैं इसको। इसका पर्पस ये होता है कि जो आपका कोड होता है गिटहब पे और जो आपका कस्टमर होता है जो यूज कर रहा होता है एप्लीकेशन को,
इन दोनों को स्ट्रीमलाइन कर दे और बीच में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना कि कोड को लेके कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, वो सारी चीजें ऑटोमेशन पे चलाएं। तो आपको ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू होगा? हाँ, ये जो CI/CD है वो जेंकिंस के थ्रू इंप्लीमेंट होगा। और जेंकिंस क्या है, बेसिकली एक ट्रिगर सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा कि गेट पर कोड चेक इन करेंगे आप, तो एक ट्रिगर होगा, जेंकिंस उसको कोड को देखेगा, चेक कुछ नया कोड आया, फिर वो उस कोड को लेगा, डॉकर का नया इमेज बनाएगा। वो डॉकर का इमेज नया जो होगा वो टेराफॉर्म के थ्रू कुबरनेटीज से आपके क्लस्टर में डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो माइक्रो सर्विसेज मल्टी बनेगी एक एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन का जो स्टेट और जो सेशन वगैरह होगा वो कहाँ मेंटेन हो रहा होगा, यानी डिफरेंस माइक्रो सर्विसेज का? नहीं समझा सवाल, दोबारा बोलें। जैसे एक एप्लीकेशन का एक स्टेट होता है ना, एक यूजर लॉगिन है, वो दूसरे दूसरे किसी मॉड्यूल में जाता है, तो सेम स्टेट या सेशन को लेके चलता है। अब तो वो अब क्लस्टर लेवल पे कुबरनेटीज के थ्रू मैनेज होगा सर। अच्छा, कुबरनेटीज, सही, थैंक यू। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल CI/CD से रिलेटेड ही था कि यहाँ पे कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब यही है कि यूजर को सीमलेसली इंटीग्रेशन हो जाए और बीच में ऑपरेशन के अंदर कोई बैरियर ना आए, क्या इसका मतलब यही है? बिल्कुल यही है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि जो ऑपरेशंस के जितने भी टास्क हैं वो सारे ऑटोमेशन पर आ जाए, ताकि हमारी जो टीम है वो फोकस करे डेवलपमेंट के ऊपर, और ऑपरेशंस के जितने भी टास्क हैं वो डिफरेंट टूल्स के कॉम्बिनेशन से ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। और कोई है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जहांगीर शाह जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अजय साहब, मुझे ये पूछना था कि एक टेक्निकल बंदे के लिए मुश्किल होता है कि वो किसी बिजनेस लॉजिक को समझे, क्योंकि अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे होते तो उसके बिजनेस को समझना या उसको इम्प्लीमेंट करना एज अ सॉफ्टवेयर तो टेक्निकल बंदे के लिए काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे एक बिजनेस के जो उसको सॉफ्टवेयर के तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। आप बिजनेस लॉजिक की बात कर रहे हैं कि बिजनेस लॉजिक कोड कैसे करेंगे या बिजनेस लॉजिक बनाएंगे, मतलब बिजनेस कैसे करेंगे, वो पूछ रहे हैं? ये अगर, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो जाहिर सी बात है उसकी बिजनेस की के लिए जो चीजें होती है उसको वो सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में लाएंगे, तो उस चीज को हम टेक्निकल तरीके से समझेंगे कि कोडिंग में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसकी बात को समझने के लिए टेक्निकल बंदे के लिए मुश्किल होती है। जैसे कि वो सॉफ्टवेयर बना रहा होता है अपनी कंपनी के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर को कोड में इम्प्लीमेंट करना, फंक्शनल टू टेक्निकल के जो ट्रांसलेशन है उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो आप ये पूछ रहे हैं कि इस क्लास में हम उसके लिए क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हम अगर कंपनी के साथ बात करेंगे उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड में, तो हम यहाँ पर वो चीजें समझ सकते हैं, समझेंगे या बताएंगे? यहाँ पर हमारा जो इस वक्त फोकस होगा ना वो अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के ऊपर होगा। मेरे ख्याल से जब आप टेक्निकल कैपेबल हो जाते हैं ना उसको डेवलप करने के लिए, जब आपके पास सारी स्किल्स होती है ना, जब पूरे पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे ना आपके पास, कि यू विल नो हाउ टू डू दोस थिंग्स, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जब आप किसी कस्टमर से बात भी कर रहे होंगे ना, जब आप उनकी रिक्वायरमेंट समझ रहे होंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ओके मैं किस तरह से इसको अचीव करूँगा टेक्निकली। लेकिन इसकी कोई क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये फील्ड में एक्सपीरियंस करके ही होता है ये वाला। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। साजिद, हेलो साजिद, okay,
ओके नॉट रिस्पोंडिंग ओह अच्छा माइक नहीं है अच्छा यहाँ पर मैसेज फिर देख लेते हैं साजिद का कैन वी डेवलप द वेब एप्लीकेशन जी बिल्कुल साजिद आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो मॉड्यूल बी एंड सी में डेवलप करना आप सीख लेंगे कंप्लीट वेब भी और मोबाइल भी तो जब आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो फ्रंट एंड उसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के थ्रू बनेगा और बैक एंड जो है वो नोड जेएस पे होगा डेटाबेस आपका MongoDB होगा और जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू डेवलप कर सकेंगे iOS एंड एंड्रॉयड दोनों पे आपकी एप्लीकेशंस बन सकेंगे हाँ फुल स्टैक जो है वो ज़्यादातर उसमें कहते हैं जावा और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती थी ना उसके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट टर्म था और इसका टर्म है मर्न स्टैक MERN मर्न स्टैक इसी तरह से एक एंगुलर के साथ करते हैं तो वो मेन स्टैक बनता है तो ये हमारा मर्न स्टैक है क्लाउड नेटिव के साथ उमर सर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं कि एजाइल और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है लोएस्ट की मेजॉरिटी किसमें है इसकी हाईएस्ट एजाइल और वाटरफॉल के बीच में डेवऑप्स अच्छा अच्छा मैं बताता हूँ देखें मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा एजाइल और डेवऑप्स जो हैं वो अलग अलग नहीं है वो एक साथ काम करेंगे एजाइल क्या है कि जो आपका आपकी जो बिल्डिंग है जो आपका कोड करने का जो सिस्टम है मेथोडोलॉजी कि आप बना क्या रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं वो उसकी एक पूरी अप्रोच है कि आपने मैनेज कैसे करना है डेवलपमेंट को कैसे मैनेज करना है और डेवऑप्स क्या चीज़ है जब आपने कोड कर लिया तो आपने उसको कस्टमर तक कैसे इस तरह से डिप्लॉय करना है कि वो ऑटोमेशन पे सारा काम हो रहा हो CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू तो ये अलग अलग नहीं होंगे ये दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे ठीक है सही और सर एक क्वेश्चन और पूछना है कि इफ अगर मैं डॉकर कुबरनेटिस का एग्जाम इंटरनेशनली दूं तो मुझे बेनिफिट होगा कुछ पाकिस्तान में मेजॉरिटी है इसकी इंटरनेशनली एग्जाम देखें आपने जो है ना काम जो करना होगा वो पाकिस्तान में आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा इस वक्त ठीक है आपका सारा कस्टमर बेस इंटरनेशनल होगा तो उसकी एग्जाम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कुबरनेटिस के लोग बहुत कम हैं और उसका एग्ज़ाम आसान नहीं है ठीक है ना लेकिन ट्रेन आप 2 महीने के बाद इस तरह से हो जाएंगे कि आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जिससे आप एग्ज़ाम पास कर सकेंगे सही है सर लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे इस एग्जाम का पाकिस्तान में फायदा होगा कि नहीं एग्जाम की फीस $300 है ना वो आपका पहला वो पेट का $300 होगा वो तो मैं कर लूंगा वो तो मैं अफोर्ड कर लूंगा मैं बेनिफिट पूछ रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान में फायदा होगा कि नहीं मैंने आपको बताया ना पाकिस्तान की मार्केट नहीं है कोई आपने इंटरनेशनल मार्केट में आपको फायदा होगा तो पाकिस्तान से बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे उसमें आपको फायदा मोहम्मद ए रहमान हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरे सवाल सर कि क्या हम ये जरूरी है कि हम लिनक्स बेस या लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें अगर हम विंडोज के यूजर हैं तो इस कोर्स के लिए आप विंडोज पे काम चला सकेंगे लेकिन आई हाईली डिस्करेज इट आपको लिनक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी स्पेशली कुबरनेटीज को चलाने में ठीक है ठीक है तो आप लिनक्स ठीक है थैंक यू को इम्पोर्टेंट है ठीक है थैंक यू कामरान जी मेरा एक और सवाल था एच सर्वर से रिलेटेड आपने बताया था कि एच सर्वर वो सर्वर है जो कि एंड यूजर के पास होता है
तो और मोस्ट रिलेटेडली टू आईओटी थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड है. तो ये वो सर्वर है जो यूजर के पास होता है, या ये वो सर्वर्स हैं जो कि एक रीजन के अंदर बनाया जाता है ताकि एक जैसे यूजर्स को एंटरटेन कर सके? नॉर्मली अगर आप आईओटी को स्टडी करेंगे ना, तो वो आपके एक फिजिकल लोकेशन रीजन लेवल पे आप इसको स्ट्रेच करके ले जा तो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त की जो टर्मिनोलॉजीज हैं आईओटी में, एज सर्वर वो है जो आपके फिजिकल लोकेशन के ऊपर जो सेंट्रल सर्वर होता है आपका. यहाँ पे जब हम बात करें फिजिकल लोकेशन ऑफ एंड यूजर, अगर इवन अगर सिंगल यूजर भी है तो उसके लिए ये एज सर्वर लगाया हुआ होगा. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला की गाड़ी है, टेस्ला की गाड़ी में एक एज सर्वर लगा होगा, ठीक है, वो यूजर के पास है, और उस एज सर्वर के साथ में पूरे थ्रू आउट द व्हीकल मल्टीपल सेंसर्स लगे होंगे जो उस एज सर्वर से उसी लोकेशन पे रहते हुए कम्युनिकेट कर रहे होंगे. ठीक है, और ये वाला जो ये जो एज सर्वर है ये फिर आपके क्लाउड सर्वर से लिंक कर रहा होगा इस तरह से. ओके, सो इट्स लाइक अ लोकल डैक डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, लेकिन असल कैलकुलेशन क्लाउड कंप्यूटिंग पे हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग एज सर्वर. हां, राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम. सैयद मजाहिद हसन. जीशान, कोई हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इसमें कर रहे हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं दोबारा बोलो. मैं कह रहा हूँ इसमें कोई हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे, मींस कोई एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट हो. होगा ये कि जब हम पहला मॉड्यूल करेंगे उसमें तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम डिप्लॉयमेंट्स के काम कर रहे होंगे. तो थ्रू आउट द कोर्स मैं ये करता हूँ कि डिफरेंट एप्लीकेशन छोटी छोटी देता हूँ, उसको आप डिप्लॉय कर सकेंगे लोकल कुबरनेटीज क्लस्टर के ऊपर, ताकि आपका कुबरनेटीज में डिप्लॉयमेंट करना आ जाए. फिर जब हम मॉड्यूल बी शुरू करते हैं कि हाँ उसमें वी टेक अ प्रोजेक्ट और उसको हम फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करके एंड तक लेके चलेंगे. ठीक है. अच्छा, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी तो आप बताइए, मॉड्यूल सी एक्चुअली क्या है? मॉड्यूल सी में जो आपका कंप्लीट मर्न स्टैक है ना, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड.js. अच्छा, ओके, ठीक है. ओके, सादिक अली शेख. सादिक, जुनेद सलीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जुनेद सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मैंने तो अभी ये शुरू किया, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं इसका क्या करना है या इसके किस तरह प्रोग्रामिंग होती है, कुछ अलिफ बे जीम जैसे कहते हैं मुझे उसका भी नहीं पता, तो अब मैं क्या इससे सीख सकूंगा? मुझे डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी जो आप बता रहे हैं, या क्या सिस्टम इसका होगा? अच्छा, पहली जो क्लास थी इसमें काफी सारी डेफिनेशंस थी, क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी हमें समझनी थी कि क्लाउड नेटिव क्या है और उस पर हम क्यों उस पर जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लिनक्स पे शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके चलेंगे, फिर हम डॉकर को लेके चलेंगे, फिर हम कुबरनेटीज को स्क्रैच से पढ़ेंगे. तो असल में आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इस पर टाइम लगाना होगा और पढ़ाई करनी होगी. ठीक, और इसके लिए हमें विंडो वाला, जैसा कि पहले भी एक भाई ने कहा, विंडो लिनक्स इंस्टॉल करना होगा आपको. अच्छा, ठीक होगा सर, यही पूछना था. शुक्रिया सर. वेलकम. मियां अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, तो डिप्लॉयमेंट क्या है, जंक क्या है, टेराफॉर्म क्या है, आपने कुछ एक मतलब के आंसर्स दिए, तो इन तीनों चीजों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो काइंडली अगर बता दें. हाँ, देखिए ये डेवऑप्स के कुछ टूल्स हैं. होता क्या है कि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हम एप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो तो एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसको हमें जो हमारा एंड यूज़र है उस तक सर्विस पहुंचानी होती है. तो हमें एप्लीकेशन को कहीं किसी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना होता है.
या तो आप उसको मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हर्डल्स काफ़ी सारे आएंगे, और आपने वो रिपीटेटिवली ना एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर रहे होंगे, तो आपको इवन मे बी हर वीक आपको कोई डिप्लॉयमेंट करनी हो जैसे. तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन के थ्रू हो, ये वाले काम जो रिपीटेटिव हो रहे हैं ऑपरेशंस वाले. उसके लिए ये टूल्स आ जाते हैं जिनसे इनको हम एक बार कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो क्या होगा कि जब भी हम कोड को हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम में चेक इन करते हैं, गेट के अंदर हम सेव करते हैं, कमिट करते हैं कि ये कोड डन हो गया, ये कस्टमर तक डिलीवर हो सकता है, उसमें उसके साथ एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है जेंकिंस. वो एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करती है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं कि उस कोड को आप एंड यूज़र तक कैसे डिलीवर करेंगे. तो वो कस्टमाइजिंग होती है, उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स डेवलप होती हैं, तो ये फिर आपके डिफरेंट टूल्स को कॉल करेगा, डॉकर को कॉल करेगा, टेराफॉर्म को कॉल करेगा, कुबरनेटीज को कॉल करेगा, और आपकी जो कोड चेक इन किया होगा आपने उसको कस्टमर तक डिलीवर करेगा. ठीक है सर, और अगर हम डिप्लॉयमेंट को इजी वर्ड्स में देखें तो वो क्या है, डिप्लॉय कर देना? हाँ, मतलब आपने आपने ये फ़ोन बनाया, आप ये चाह रहे हैं कि ये हर दुनिया में कस्टमर को आप डिलीवर कर दें, ठीक है, अभी क्योंकि ये तो फिज़िकल है, तो फिज़िकल में आपको क्या मसला होगा कि एक ही फ़ोन आप कैसे देंगे, तो जितना कस्टमर आएगा उसमें आपको इसकी रेप्लिकेशन करनी होगी, एक फ़ोन नहीं चाहिए होगा आपको, 10,000 फ़ोन चाहिए होंगे, तो 10,000 बनाने के लिए आपको कुबरनेटीज यूज़ करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप वो आप डिलीवर करेंगे. और सर आप लिनक्स इंस्टॉल करना वगैरह सारा कुछ सिखाएंगे इसमें? नेक्स्ट क्लास में हम लिनक्स शुरू करेंगे, तो उसमें मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा जिसमें लिनक्स इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन दूंगी. जी सर. और सर ये PPT स्लाइड हमें मिल जाएंगी सर? इसका ये गूगल ड्राइव पर है, इसका लिंक मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लें, वहां पर लिंक पोस्ट कर दूंगा. थैंक यू सर. यू वेलकम. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आप 12 का सारा सिस्टम है सर, इसके लिए कोई अलहदा से सिस्टम चाहिए या फिर नॉर्मल लैपटॉप वगैरह इसके ऊपर ये इंस्टॉल हो सकती है? नॉर्मल लैपटॉप पे चल जाएगा, बस आपके पास लिनक्स आपके पास इंस्टॉल हो जाए और रैम 8GB हो तो अच्छा हो जाएगा. ठीक हो गया सर, यानी कि कम से कम 8GB रैम हो तो फिर लिनक्स जो है ना वो प्रोसेस करेगा. असल में लिनक्स तो कम पे भी चल जाएगा, लेकिन हमें जो टूल्स चलाने हैं ना उसमें हमें कम से कम 8 चाहिए होगा. जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर. यू वेलकम. अच्छा मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर दूँ, बाकी के सवाल मैं फिर लेता रहूँगा. नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी सेम टाइमिंग पे 11 बजे से 1 बजे, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी एवरी सैटरडे एंड संडे, ठीक है. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर सारा जो भी कंटेंट है मैं वहाँ पर भी शेयर कर दिया करूँगा, और उसी में क्लास के अनाउंसमेंट्स भी वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है. इसके अलावा एक फेसबुक ग्रुप है जो हमाद ने लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा से पेश कर देता हूँ. हमाद भाई यहाँ पर वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी उसका भी इन्वाइट यहीं पर डाल दें. तो ये फेसबुक का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लें. यहाँ पर क्लाउड नेटिव के जो XCM के दूसरे बैचेस चल रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी यहीं पर होंगे, आप उनके असाइनमेंट्स भी देख सकते हैं जो चीज़ें वो बना रहे होते हैं, उससे आपको कुछ मोटिवेशन भी मिल जाएगी. वहाँ पर एक कम्युनिटी भी है, तो आप सवाल भी कर सकते हैं अगर, तो आपको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी. बाकी व्हाट्सएप पर हो जाएगा. कल क्लास होगी 11 बजे, तो हम 11 बजे मिलते हैं, ठीक है. अगर आपको सवाल नहीं है तो फिर आप छुट्टी कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और मैं आपसे बात कर लूँगा. हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप का इनवाइट.
जी इमरान सर, सर इसके क्विज और एग्जाम्स के हवाले से पूछना था, कोई बुक वगैरह चाहिए होगी वो किस तरह होंगे, और ये अगर जिस तरह कोई ऑनलाइन सेशन अगर मिस कर गए हम तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में? अच्छा, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबकी बुक्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम कल जब लिनक्स शुरू करेंगे तो उसकी बुक मैं आपको शेयर कर लूँगा ग्रुप में, तो वो आपने पढ़नी होगी, उसी के अंदर से टेस्ट होंगे, टेस्ट हम ऑनलाइन कंडक्ट कर लेंगे। सही, ठीक है। और सर ये अगर सेशन मिस हो जाता ऑनलाइन किसी वजह से, हम ये कोई और मसला हो जाए, इशू हो जाए, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उस दिन की? हाँ, फिर हम रिकॉर्डिंग का देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया सर। जी फजल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये जो व्हाट्सएप आपने ग्रुप बनाया है इसके मेरे पास नंबर नहीं है, तो काइंडली अगर उसका नंबर आप दे दें तो मैं वो ज्वाइन कर लूं। व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमाद भाई किधर चले गए? मैं काम करता हूँ। सर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है, उसके अलावा नहीं भेजा कोई। ये आपका इनवाइट ग्रुप इनवाइट आ गया व्हाट्सएप का, ठीक है, और फेसबुक का भी लिंक आ गया, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर। यस सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी सर, ये मुझे पूछना था कि मैंने अभी तक डॉकर पे ज्यादा काम नहीं किया, कुबरनेटिस पे ज्यादा काम नहीं किया। हम जब एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसका एक पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, तो हम इस चीज को, ये जो डेवऑप्स वगैरह है, इसको पोर्टफोलियो के जरिए कैसे पेश कर सकते हैं क्लाइंट को? क्योंकि हाँ, जो आपका कोड है वो गिट पर होगा, तो जो आप डॉकर भी कॉन्फ़िगर करेंगे और कुबरनेटीज भी कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सारा वो भी कोड के थ्रू होगा, तो उसके आपके कोड की फाइल्स होंगी, तो आपके गिटहब के ऊपर रिपोजिटोरीज बन जाएंगे, वो क्लाइंट को हमें शेयर करनी होगी अगर एज अ पोर्टफोलियो। हाँ, तो आप क्लाइंट को कोड दिखा सकते हैं कि ये मैंने एप्लीकेशन बनाई थी और ये कुबरनेटीज पे डिप्लॉय की हुई थी, तो उसका आप कुबरनेटीज में यैमल फाइल्स बनती हैं जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं डिप्लॉयमेंट्स की, तो वो आप दिखा सकते हैं कस्टमर को, वो देख के ही समझ जाएंगे। और सर एक और सवाल ये है कि अभी तक डॉकर की ज़्यादा कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, डॉकर और डेवऑप्स सीआईसीडी, ये हाई लेवल था, इसको हम डिटेल में लेके चलेंगे तो चीज़ें फिर क्लियर अप होंगी। I know it's और लिनक्स भी कभी यूज नहीं करी हम, ज्यादातर मैक यूज करी है या फिर विंडोज यूज करी। अगर मैक है, अगर मैक है तो मैक लिनक्स के बेस पे चलता है, तो मैं भी मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैक आप चला सकते हैं अगर मैक है, और अगर विंडोज पे काम नहीं हो पाएगा हमें, या तो लिनक्स चाहिए या मैक चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी साजिद। अगर हम सिंगल हॉस्पिटल के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी हो तो सिंगल हॉस्पिटल के लिए, समझ नहीं आया सवाल, नहीं समझ आया मुझे। जी हामिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम पांच फ्रेंड्स हैं जो सऊदी अरेबिया से हैं, अभी तो हम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि कोरोना का चल रहा है, फिर उसके बाद हमारे ऑफिसेज होंगे, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है क्लास टाइमिंग वगैरह, वो क्या इशू होगा, वीक में कितने दिन होगा? क्लास टाइमिंग तो चेंज नहीं होगी, ये सैटरडे संडे फिक्स रहेगा, लेकिन कोई अलग सेशन हमारे लिए हो सकता है असल में, वो
बहुत दो स्टूडेंट्स हैं शायद सर जो इंटरनेशनल हैं शायद यहाँ पर मुझे बता दो कहते हैं तो दो स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लास कराना तो दो नहीं हम फाइव है मतलब पांच स्टूडेंट्स कम होंगे हम ये कर सकते हैं कि क्लासेस स्केड्यूल पे रहेंगे और आप अगर आप लोग नहीं आ सके उस दिन तो आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है यानी संडे के फिर हमें वीडियो से ही देखना पड़ेगा वीडियो से हाँ अच्छा ठीक है फाइज सर अस्सलाम वालेकुम सर सॉरी हेलो जी जी दोबारा बोलें अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जी फाइज सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था फीस सबमिशन की डेडलाइन क्या है आपकी हम एलिजिबल हैं नेक्स्ट क्लास के लिए क्योंकि हमने फीस सबमिट नहीं करवाई है अभी तक फीस जो है अप्रैल 10th है लास्ट डेट तो नेक्स्ट क्लास तो कल है तो आज और कल का कोई मसला नहीं है नेक्स्ट सैटरडे से पहले हो जाना चाहिए फीस का जो भी है ठीक है अच्छा ठीक है सर थैंक यू यू वेलकम जी आदिल अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि पैरेलल कोई मॉड्यूल बी भी ज्वाइन कर सकता है इन एडिशन टू मॉड्यूल ए हाउ विल दैट वर्क एक्चुअली बिकॉज थ्योरेटिकली अगर समबडी हु हैज़न्ट डन मॉड्यूल ए कंप्लीट नहीं किया तो बी पे जाके वो किस तरह वो कोप अप कर सकेगा एंड विल यू इवन अलाउ दैट हाँ अच्छा मॉड्यूल ए और बी में फ़र्क यह है कि मॉड्यूल ए में हम डिप्लॉयमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं मॉड्यूल बी में हम फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं अच्छा थोड़ा सा इशू हो सकता है कुछ लोगों को लेकिन वो कवर अप हो जाएगा स्केड्यूल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा सिर्फ ये होगा कि मॉड्यूल बी में अगर साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे तो मॉड्यूल बी में आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना सकेंगे लेकिन अगर आप मॉड्यूल ए साथ साथ में कर रहे हैं पहले नहीं कर रहे तो आप मॉड्यूल बी में जो आप कोड कर रहे होंगे उसको आप साथ साथ में डिप्लॉय नहीं कर पा रहे होंगे ये इशू है सिर्फ व्हाट डू यू रिकमेंड मतलब फॉर समबडी हु जस्ट मतलब जस्ट स्टार्टिंग के ए से ग्रेजुएट करे बी पे अगर आप जस्ट स्टार्टिंग में है ना तो आई थिंक आपको एक मॉड्यूल एट अ टाइम लेके चलना चाहिए क्योंकि फास्ट ट्रैक है इसमें क्योंकि लगता है ये है कि सिर्फ दो दिन हफ्ते में लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है वो लोग जिनको टाइम का मसला नहीं होगा वो लोग साथ में कर सकते हैं अगर चाहें लेकिन वैसे आई रेकमेंड अगर आपका स्केड्यूल बिजी है तो फिर कीप देम सेपरेट ओके थैंक्स ठीक है यू वेलकम ठीक हो गया अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह कल 11 बजे दोबारा से मिलेंगे और कल हम लिनक्स को कवर करना शुरू करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज़जी सारे सारे अपडेट्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे और वहाँ से आप वहाँ पर मेरा नंबर भी है और हमाद का नंबर भी है मैं अपना नंबर दोबारा से यहाँ पर भी भेज देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये हमाद का भी नंबर है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो तो आप हमाद को कॉल कर लें या मैसेज कर लें और कोई भी कोर्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लें थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़